दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तरह से कहा है तो आपके रसोई में मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, फिर पान के बाद आपको जीरा, हींग वगैरह वगैरह, अजवाइन, ये सब हो गई। ऐसी कुल 108 औषधियां हैं। गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औषधियां हैं, इनका भरपूर उपयोग करिए। एक औषधि के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में बागभट्ट जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि ये दमा, अस्थमा, इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ के। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज़्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन, मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना, तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50, कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में हैं। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा, और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। बागभट्ट जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में, उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए, 6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें, अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।